नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं कस्टम्स ड्यूटी और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी कि सीमा शुल्क की गणना किस प्रकार से की जाती है। पिछली क्लासेज में हमने पढ़ा था कि किस प्रकार से जो माल आयात किया जाता है उस माल के लिए जो है कि एसेसेबल वैल्यू सीमा शुल्क योग्य मूल्य किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है और एसेसेबल वैल्यू ज्ञात करने के बाद में उस पर जो है सीमा शुल्क लगाया जाता है, कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाती है। तो कस्टम ड्यूटी की गणना, सीमा शुल्क की गणना किस प्रकार से की जाती है वो हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। कंप्यूटेशन ऑफ कस्टम्स ड्यूटी। एसेसेबल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स, जो माल आयात किया है उसकी एसेसेबल वैल्यू सीमा शुल्क योग्य मूल्य लेंगे। जो हमने पिछली क्लास में किस प्रकार से ज्ञात किया जाता है वो हमने सीखा है। तो जो एसेसेबल वैल्यू है इंपोर्टेड गुड्स का उस पर जो है कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाती है। तो उसमें उस पर जो कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाती है वो कस्टम ड्यूटी बेसिक कस्टम ड्यूटी कहलाती है। और जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है, जो आधारभूत सीमा शुल्क है, उसकी जो सामान्य दर है वो 10% है। इसके अलावा अलग अलग वस्तुओं पर अलग अलग दर है, लेकिन जो एक सामान्य दर है वो 10% है। तो जो एसेसेबल वैल्यू है उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाती है और उसको एसेसेबल वैल्यू में ऐड कर दिया जाता है। जो एसेसेबल वैल्यू है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे ए से। तो जो बेसिक कस्टम ड्यूटी हमने चार्ज की है, हमने ए पर चार्ज की है और बेसिक कस्टम ड्यूटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे बी से। तो एसेसेबल वैल्यू में बेसिक कस्टम ड्यूटी जो भी रेट दी गई है क्वेश्चन में उस हिसाब से उस पर चार्ज की जाएगी और फिर इनका टोटल कर दिया जाता है। और जो टोटल है इस टोटल को हम रिप्रेजेंट करेंगे सी से। तो एसेसेबल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स और फिर उस पर जो हमने बेसिक कस्टम ड्यूटी चार्ज की है उन दोनों का टोटल कर देंगे। अब कस्टम ड्यूटी लगाने के पीछे उद्देश्य यह है कि जो माल विदेशों से मंगवाया जा रहा है उस पर शुल्क लगाकर उस माल को जो है महंगा कर दिया जाए, जिससे कि जो हमारे घरेलू उद्योग हैं, घरेलू उद्योग उस माल से जो है कंपटीशन करने लायक हो जाएं। क्योंकि विदेशों में तकनीक अच्छी है, इस वजह से वहाँ सस्ता माल उत्पादित होता है। तो इसको जो है इस माल को का मूल्य बढ़ाने के लिए इस पर कस्टम ड्यूटी चार्ज की जाती है। तो उस माल पर कस्टम ड्यूटी लगाने के बाद में जो वैल्यू ज्ञात हुई है वो वैल्यू अब जो है कॉम्पिटिटिव वैल्यू है। ये जो है भारतीय उद्योग अब इस मूल्य से तुलना कर सकते हैं। अब इसमें एक जो है एडिशनल ड्यूटी ऐड की जाएगी, एडिशनल बेसिक कस्टम ड्यूटी के अलावा एक एडिशनल ड्यूटी ऐड की जाएगी और इसके लिए जो सेक्शन है वो है 3(1) एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3(1). ये ड्यूटी इसलिए चार्ज की जाती है कि जो भारत में वस्तुएं उत्पादित की जाती हैं उन पर उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है। तो भारत में अगर किसी वस्तु का उत्पादन किया जा रहा है और उस पर एक्साइज ड्यूटी लगाई जा रही है, उस वजह से वो वस्तु महंगी हो रही है। और उस वस्तु के बराबर, उस वस्तु के कंपटीशन में आयातित जो वस्तु है उसको लाने के लिए जो आयातित वस्तु का मूल्य हमने ज्ञात किया है बेसिक कस्टम ड्यूटी ऐड करने के बाद में, उस पर भी उसी दर के आधार पर जो एक्साइज ड्यूटी की जो रेट चल रही होती है वर्तमान में, उसी रेट से एडिशनल ड्यूटी लगा दी जाती है सेक्शन 3(1) के अंतर्गत। तो एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो है वो एक्साइज ड्यूटी के बराबर लगाई जाती है आयातित माल पर। तो एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो ये हमने सी वैल्यू ज्ञात की थी इस पर लगाई जाएगी ऑन सी और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी से।
और ये लगाने के बाद में एक सेस लगाया जाता है, सोशल वेलफेयर सेस, समाज कल्याण के लिए ये उपकर लगाया जाता है। सरकार जो ये पैसा वसूल करती है सेस का, वो पैसा शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए खर्च करती है। तो एक सोशल वेलफेयर सेस लगाया जाता है एडिशनल ड्यूटी के बाद में, और इसकी जो रेट है वो है 10%। और जो सेस है हमेशा ड्यूटी के अमाउंट पर लगाया जाता है, गुड्स की वैल्यू पर नहीं लगाया जाता। तो सोशल वेलफेयर सेस 10% लगाया जाएगा, वो लगाया जाएगा बेसिक कस्टम ड्यूटी और एडिशनल ड्यूटी इन दोनों के अमाउंट के टोटल पर। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी है बी से इसको रिप्रेजेंट किया है, और एडिशनल ड्यूटी जो है अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 1 वो है डी। तो इन दोनों के टोटल पर 10% की दर से सोशल वेलफेयर सेस लगाया जाएगा, और इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे ई से। अब इनका टोटल कर दिया जाएगा, और ये जो टोटल है ये टोटल होगा सी डी एडिशनल ड्यूटी और सेस जो लगाया है सोशल वेलफेयर ई, इन तीनों का टोटल। और इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे एफ से। इसके बाद एक ड्यूटी और चार्ज की जाती है इंपोर्टेड गुड्स पर, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 सबसेक्शन 5, और ये चार्ज की जाती है इन सब के टोटल पर, एफ जो हमने ज्ञात किया है एफ पर, और इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे जी से। जो स्पेशल एडिशनल ड्यूटी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे जी से, और एफ पर चार्ज कर दी जाएगी। और जो एडिशनल ड्यूटी है और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, इनकी दरें, इनकी रेट्स हमको क्वेश्चन में दी हुई होगी। तो F जो हमने अमाउंट कैलकुलेट किया था उसमें स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऐड करने के बाद में जो टोटल अमाउंट आता है वो टोटल कॉस्ट हो जाएगी, टोटल कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स। तो एसेसेबल वैल्यू में कस्टम ड्यूटी ऐड करने के बाद में जो वैल्यू आ रही है वो टोटल कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स है। ये जो स्पेशल एडिशनल ड्यूटी है ये ड्यूटी सेल टैक्स या वैट के बराबर चार्ज की जाती है। भारत में जिन वस्तुओं का विक्रय किया जाता है उन पर वैट या सेल टैक्स चुकाया जाता है, तो इसलिए उन वस्तुओं के बराबर, उन वस्तुओं की लागत के बराबर आयातित वस्तु को तुलनात्मक बनाने के लिए उसके मूल्य को स्पेशल एडिशनल ड्यूटी वैट या सेल टैक्स के बराबर चार्ज की जाती है। तो हमने देखा कि सबसे पहले हमको कस्टम ड्यूटी की कंप्यूटेशन के लिए हम इंपोर्टेड गुड्स की एसेसेबल वैल्यू लेते हैं। उस एसेसेबल वैल्यू पर जिस कस्टम ड्यूटी की हम बात कर रहे हैं वो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा दी जाती है, ऐड की जाती है। उसके बाद इन दोनों का टोटल कर लिया जाता है। अब जब भारत में किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो उत्पाद शुल्क एक्साइज ड्यूटी चुकाई जाती है। तो उस कर के बराबर इस वस्तु के मूल्य को लाने के लिए, क्योंकि उत्पाद शुल्क लगाने की वजह से वस्तु, उत्पादित वस्तु महंगी हो जाती है, इसलिए उस वस्तु के तुलनात्मक इसको बनाने के लिए जो वस्तु आयात की गई है उस पर भी एक्साइज ड्यूटी के बराबर एक एडिशनल ड्यूटी के नाम से धारा 3 उपधारा 1 के अंतर्गत एक जो है ड्यूटी लगाई जाती है, टैक्स लगाया जाता है, और वो लगाया जाता है एसेसेबल वैल्यू और बेसिक कस्टम ड्यूटी दोनों के टोटल पर, और इसकी ही रेट जो है क्वेश्चन में दी हुई होती है। इसके बाद जो है सोशल वेलफेयर सेस, समाज कल्याण उपकर लगाया जाता है 10% की दर से, और समाज कल्याण उपकर केवल जो है ड्यूटी के अमाउंट पर ही, टैक्स के अमाउंट पर ही चार्ज किया जाता है, न कि इंपोर्टेड गुड्स के अमाउंट पर। तो ये जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है हमने कैलकुलेट की है बी, और एडिशनल ड्यूटी डी, इन दोनों के, एडिशनल ड्यूटी और बेसिक कस्टम ड्यूटी दोनों के टोटल पर 10% से जो है सेस चार्ज किया जाएगा। और फिर सी में जो हमने दोनों का टोटल किया था इंपोर्टेड गुड्स और बेसिक कस्टम ड्यूटी का, इनमें एडिशनल ड्यूटी और सेस ऐड कर दिया जाएगा और वैल्यू ज्ञात कर ली जाएगी।
अब ये जो टोटल है इस पर जो है स्पेशल एडिशनल ड्यूटी लगाई जाएगी अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 5। और ये ड्यूटी लगाई जाती है क्योंकि जब वस्तु को उत्पादित वस्तु को जब बेचा जाता है तो उस पर वैट या सेल टैक्स लगाया जाता है और उस कर के तुलनात्मक कर इस वस्तु के मूल्य को तुलनात्मक बनाने के लिए स्पेशल एडिशनल ड्यूटी लगाई जाती है वैट या सेल टैक्स के बराबर, वो ऐड कर दी जाएगी। और वो ऐड करने के बाद में जो वैल्यू आती है, जो कॉस्ट आती है, वो टोटल कॉस्ट हो जाती है इंपोर्टेड गुड्स की। और अब ये जो मूल्य आ रहा है, ये मूल्य जो है भारत में जो वस्तु उत्पादित की जा रही है इसी प्रकार की जो हमने इंपोर्ट की है उसके तुलनात्मक मूल्य है। कस्टम ड्यूटी कितनी चुकानी पड़ेगी? तो टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल कैलकुलेट कर लेंगे। एक तो कस्टम ड्यूटी के रूप में बेसिक कस्टम ड्यूटी चुकानी पड़ेगी बी, जो अमाउंट हमने कैलकुलेट किया था। दूसरा एडिशनल ड्यूटी चुकानी पड़ेगी डी। इसके बाद सेस चुकाना पड़ेगा जिसको हमने रिप्रेजेंट किया था ई से, और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी भी चुकानी पड़ेगी जिसको हमने जी से रिप्रेजेंट किया था। तो बी डी ई और जी, इन चारों का टोटल ही जो है कस्टम ड्यूटी पेबल अमाउंट होगा। एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं कि एसेसेबल वैल्यू, एसेसेबल वैल्यू ऑफ गुड्स है मान लीजिए 5 लाख रुपए, बेसिक कस्टम्स ड्यूटी है 10%, एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 एक्साइज ड्यूटी के बराबर, उत्पाद शुल्क के बराबर, जो वस्तुएं भारत में उत्पादित की जाती है उन पर उत्पाद शुल्क चुकाया जाता है 8%, और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 5 यह है 4%। जब वस्तु उत्पादित वस्तु को जब भारत में बेचा जाता है तो बेचने पर वैट या सेल टैक्स चुकाया जाता है 4% के बराबर। तो इन सूचनाओं के आधार पर हमको जो है टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल और टोटल कॉस्ट ऑफ इंपोर्टेड गुड्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एसेसेबल वैल्यू लेंगे। एसेसेबल वैल्यू ऑफ इंपोर्टेड गुड्स है 5 लाख रुपए। बेसिक कस्टम ड्यूटी चार्ज करेंगे 10% की दर से। बेसिक कस्टम ड्यूटी 10% है, एसेसेबल वैल्यू का 10% लेंगे, तो 5 लाख का 10% 50,000 रुपये। इन दोनों का टोटल कर लेंगे, एसेसेबल वैल्यू और बेसिक कस्टम ड्यूटी का टोटल आता है 5,50,000 रुपये। अब इस 5,50,000 रुपये पर जो है उत्पाद शुल्क के बराबर, एक्साइज ड्यूटी के बराबर एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 चुकाई जाएगी। तो 5,50,000 का 8% और ऐड कर देंगे, 5,50,000 का 8% 44,000। और जो बेसिक कस्टम ड्यूटी 50,000 रुपये और एडिशनल ड्यूटी 44,000 रुपये चुकाई है, जो चुकानी है, इन पर सेस लगाया जाएगा 10% से, सोशल वेलफेयर सेस। तो 50,000 और 44,000, 50,000 और 44,000, 94,000 पर, जो 94,000 ड्यूटी है कस्टम, बेसिक कस्टम ड्यूटी और एडिशनल ड्यूटी, इन पर 10% सेस चुकाया जाएगा 9,400 रुपये का। अब इनका टोटल कर दिया जाएगा, 5,50,000 प्लस 44,000 और 9,400, ये अमाउंट आता है 6,03,400। और इस 6,03,400 पर स्पेशल एडिशनल ड्यूटी जो कि वैट या सेल टैक्स के बराबर है वो इसमें ऐड कर दी जाएगी, आयातक द्वारा चुकाई जाएगी 6,03,400 का 4%, 24,136 रुपये। तो वो ऐड करने के बाद में 6,03,400 में स्पेशल एडिशनल ड्यूटी 24,136 रुपये ऐड करने के बाद में जो टोटल कॉस्ट आ रही है इंपोर्टेड गुड्स की वो आती है 6,27,536 रुपये। वस्तु का मूल्य
सीमा शुल्क योग्य मूल्य था 5 लाख रुपए, लेकिन ड्यूटी लगाने के बाद में, अलग अलग प्रकार की ड्यूटी लगाने के बाद में, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी के बराबर एडिशनल ड्यूटी और सेल टैक्स के बराबर स्पेशल एडिशनल ड्यूटी लगाने के बाद में अब इस वस्तु का, आयातित वस्तु का मूल्य है 6,27,536 रुपये। तो आयातित वस्तु का मूल्य बढ़ गया है और अब ये जो मूल्य है ये भारतीय उद्योगों द्वारा जो वस्तु उत्पादित की जा रही है उसके तुलनात्मक है। अब भारतीय उद्योगों में जो वस्तु उत्पादित की जा रही है, भारतीय उद्योग इससे अब जो है कंपटीशन कर सकते हैं इस मूल्य से। अब टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल की कैलकुलेशन की जाएगी। तो कस्टम ड्यूटी के रूप में एक तो बेसिक कस्टम ड्यूटी चुकाई जाएगी 50,000 रुपए की, एडिशनल ड्यूटी चुकाई जाएगी 44,000 रुपए की, बी और डी, सेस चुकाया जाएगा 9,400 रुपये का और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी चुकाई जाएगी 24,136 रुपये की। तो इन चारों का टोटल कर लिया जाएगा, 50,000 + 44,000 94,000 + 9,400 + 24,136 रुपये। तो टोटल कस्टम ड्यूटी पेबल आ रहा है 1,27,536 रुपये। इस प्रकार से कस्टम ड्यूटी की कैलकुलेशन जीएसटी लगने के बाद में नहीं की जाती। जब से भारत में जीएसटी लागू हुआ है उसके बाद में एक्साइज ड्यूटी और वैट हटा दिया गया है, तो जो हमने कैलकुलेशन सीखी है वो कैलकुलेशन अब जो है अधिकतर वस्तुओं पर नहीं की जाती। ये जो कैलकुलेशन है ये कैलकुलेशन केवल कुछ ही वस्तुओं के संबंध में की जाती है और वो वस्तुएँ हैं, एक तो है एल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, दूसरा क्रूड ऑयल कच्चा तेल, हाई स्पीड डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल, नेचुरल गैस। केवल इन्हीं वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी की कैलकुलेशन इस प्रकार से की जाती है क्योंकि इन वस्तुओं पर जीएसटी लागू नहीं होता। इन वस्तुओं पर अभी भी जो है उत्पाद शुल्क यानी एक्साइज ड्यूटी और विक्रय कर वैट या सेल टैक्स लागू होता है। तो जीएसटी आने के बाद में जो कैलकुलेशन हमने सीखी है, जो ड्यूटीज़ लगाई जाती थी पहले, एडिशनल कस्टम ड्यूटी ऑन अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 1 और स्पेशल एडिशनल ड्यूटी अंडर सेक्शन 3 सब सेक्शन 5, अब ये ड्यूटीज़ कस्टम ड्यूटी की कैलकुलेशन में नहीं लगाई जाती जीएसटी आने के बाद में। ये कुछ वस्तुएं हैं जिन पर अभी तक जीएसटी लागू नहीं हुआ है, इसलिए अगर इन वस्तुओं पर कस्टम ड्यूटी की कैलकुलेशन करनी हो तो फिर इस प्रकार से कस्टम ड्यूटी की कैलकुलेशन की जाएगी। मानव उपभोग की जो शराब है वो, और ये जो 5 आइटम है ये 5 जो है पेट्रोलियम उत्पाद हैं, कच्चा तेल, डीजल, पेट्रोल, एविएशन टर्बाइन फ्यूल जो हवाई जहाज में जो ईंधन लगता है एविएशन टर्बाइन फ्यूल कहलाता है, और नेचुरल गैस जो गैस काम में आती है, जो एलपीजी गैस है जो हम काम में लेते हैं वो ये गैस है, ये पेट्रोलियम उत्पाद है। तो पेट्रोलियम उत्पादों पर 5 पेट्रोलियम उत्पाद और जो शराब है, जो मानव उपभोग की जो अल्कोहल है शराब है, इस पर अभी तक जीएसटी लागू नहीं हुआ है। इन पर अभी भी उत्पाद शुल्क और विक्रय कर लगता है, इसलिए उत्पाद शुल्क और विक्रय कर लगने की वजह से इन वस्तुओं पर जो है कस्टम ड्यूटी की कैलकुलेशन जो हमने पढ़ा है आज की क्लास में उस प्रकार से की जाती है। अगली क्लास में हम बात करेंगे कि इनके अलावा जो अन्य वस्तुएँ हैं जिन पर अब जीएसटी लागू हो गया है उन वस्तुओं के संबंध में कस्टम ड्यूटी किस प्रकार से कैलकुलेट की जाती है। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।